मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जनता ने मुझे वोट दिया और हमारी पार्टी को जिता कर ले गए यहाँ से मेवाला 88 से, और अब जो हमारे एजेंडे हैं लोगों की नालिए और लाइटें रोड उस जो लेकर के हम अपनी जनता के बीच गए थे, उनका काम आगे बढ़ाना है और जनता को संतुष्ट करना है इन 5 सालों में। सर, अगर आपकी बात करी जाए जो कि वार्ड नंबर 88 और 89 की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस ने आपको सौंपी, ऐसा भी माना जा रहा है कि दोनों पार्षदों के नॉमिनेशन में आपका रोल बड़ा महत्वपूर्ण था, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे कांग्रेस नेतृत्व ने पूरी जिम्मेदारी दोनों वार्डों की वास्तव में मुझे मिली थी और मैंने जो दोनों वार्डों के जो पार्षद प्रत्याशी थे उन्हें चिन्हित करने का जिम्मेदारी भी मुझे मिली थी और मैंने ऐसे प्रत्याशियों को चिन्हित किया, वार्ड 88 से रोजिना खातून जी और वार्ड 89 से उषा मल्ला चौहान जी, दोनों पहले से मजबूत अपने क्षेत्र में पहले से ही मजबूत हैं और कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता थी दोनों, और मैं अपने जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी उसमें मैं सफल रहा, दोनों को जिताकर मैंने कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया, दोनों भारी मतों से जीतकर मेरे क्षेत्र से नगर निगम पहुंचे। सर, ऐसा नहीं लगता जैसे आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई हो जीतने के बाद? क्योंकि अगर कोई बात होती है, अगर पार्षद आपके पार्षद जीते हुए काम नहीं करते कल को कोई तो क्षेत्रवासी आपको ही बोलेंगे जी आपको। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी विकास किया है, लोगों का भरोसा है हम पर, ऐसा नहीं है कि हम नए जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच हैं, हम लोगों ने पहले भी इस क्षेत्र को चमकाने का काम किया और अब भी हमारे पार्षद इतने सक्षम हैं वो विकास के आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विकास करने में पीछे नहीं रहेंगे। तो क्या लगता है सर, क्या कमियां रहेंगी कि कांग्रेस को मेयर सीट में निकालता है? क्योंकि मेयर सीट में जो एक तो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी मेयर का प्रत्याशी जो घोषित किया वो चुनाव के एंड टाइम पे घोषित किया गया और चुनाव की तैयारी का मेयर प्रत्याशी को समय बहुत कम मिला, इतने समय में चुनाव को मैनेजमेंट करना बड़ा असंभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी थे वो एक साल से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषित कर रखा था कि चुनाव मेयर का इन्होंने लड़ना है, तो उन्हें एक साल मिला, हर क्षेत्र में जाने का मौका मिला, तो उनकी पूरी तैयारी थी, अचानक कांग्रेस के टिकट होने से, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच अपनी बात पूरी नहीं रख पाए, तो उसे लेकिन ऐसा नहीं था, जो ग्रामीण क्षेत्र थे जो जैसे धर्मपुर विधानसभा के क्षेत्र हो गए यहाँ से कांग्रेस बहुत वोटों से जीत कर गई है, मेरे क्षेत्र से भी मतलब कांग्रेस मतलब पार्षद को इतने वोट नहीं पड़े जितने मेयर प्रत्याशी को पड़े। सर, अगर धर्मपुर विधानसभा को छोड़ दिया जाए और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी जाए तो कुछ हमारे समय में ऐसे भी आगे खबरें आई हैं कि वहाँ पे कांग्रेस की तक नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं आपको कहना चाहूँगा क्योंकि जो वोटर लिस्टें बनी है पूरे 100 के 100 वार्ड में, एक वार्ड में कम से कम 500 वोट ऐसे कटे हुए थे जो कांग्रेसी थे, जो कट्टर कांग्रेसी थे, भारतीय जनता पार्टी को लगता था, उनके कार्यकर्ताओं को लगता था कि कांग्रेस के वोट हैं, इन्हें कैसे कम किया जाए, उन लोगों ने जो फाइनल लिस्ट तैयार की उसमें उन लोगों को हटाने का काम किया है, और 100 वार्डों में अगर प्रति वार्ड में 500 वोट कटे हैं तो 50,000 वोट कटते हैं, और जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी थे वो लगभग 34,000 वोटों से हारे हैं, अगर वो 50,000 वोट पड़ते उनमें से 45,000 वोट कांग्रेस के पक्ष में आने थे, ये तो एक सोची समझी साजिश थी बीजेपी की। कांग्रेस की कमी थी क्यों नहीं अपने मैनेज नहीं कर पाए, कहने को लगा अगर जब सभी को पता था कि नगर निगम इलेक्शन होने वाले तो कांग्रेस एक्टिव नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी, उन्होंने पूरे उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम किया है, कभी कोर्ट के आदेश को लेकर, क्योंकि इस चुनाव की तो उन्होंने कोर्ट से हटकर न्यायालय के से हटकर तुरंत इसकी घोषणा की है, जो अधिसूचना जारी की है वो न्यायालय से हटकर की है, और तुरंत एकदम लोगों को इसकी उत्तराखंड की जनता को ये था कि हो सकता है निगम के चुनाव ना हो, दोबारा से फिर ग्राम सभा के चुनाव संभव। सर, अभी जैसे कि कुछ टाइम लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं,
तो ऐसा नहीं लगता सर इसका असर लोकसभा उत्तराखंड की लोकसभा चुनाव में ही पड़ेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्षद बहुत बढ़िया वोटों से जीत के गए हैं, ऐसा नहीं है। वही माहौल देखिए आप, हरपटपुर में तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं, डोईवाला कांग्रेस पे आ गई है, मतलब ऐसा नहीं है। हरिद्वार कांग्रेस, मतलब बहुत सीटें, मतलब हल्द्वानी सारी सीटें, मतलब पहले से बेहतर कांग्रेस, अब कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस घट नहीं, कांग्रेस बढ़ रही है। एक मेयर की सीट हारने से ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, और कांग्रेस की पूरी तैयारी है लोकसभा को लेकर। आगे की, आगे लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए। बाकी जो कमियां, जैसे वोटर लिस्ट को लेकर रहा है, जो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये गड़बड़ी की है, उसे हम आगे नहीं होने देंगे। सर